एमआईडीसी के डिजिटल जोन में गृह निर्माण विभाग के लिए कनिष्ठ वरिष्ठ क्लर्क की भर्ती शुरू होने के दौरान एक डमी उम्मीदवार अभिषेक भारतराव सावंत बीड निवासी पहुंचा। परीक्षा नियंत्रक अधिकारी दिलीप लामपुंसे को उसकी फोटो दस्तावेजों पर शक होने पर उससे सत्यप्रति लाने के लिए कहा तो वह गेट से बाहर वाहन की डिक्की से दस्तावेज लाने का बहाना कर फरार हो गया। दिलीप लामपुंसे की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस ने आरोपी उम्मीदवार अभिषेक सावंत के खिलाफ धारा 419, 420, 511 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दिलीप लामपुंसे गृह निर्माण विभाग में उप अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। गत 8 फरवरी को दोपहर 3 बजे इयॉन डिजिटल जोन क्रमांक 2 सेंट्रल एमआईडीसी रोड में कनिष्ठ और वरिष्ठ क्लर्क की भर्ती प्रक्रिया शुरू थी। इस भर्ती प्रक्रिया में लामपुंसे परीक्षा नियंत्रण अधिकारी थे। भर्ती के दौरान आरोपी उम्मीदवार अभिषेक भारतराव सर्वत इंडिया बैंक कॉलोनी के पास बीड निवासी की फोटो और अन्य दस्तावेज देख कर उन्हें शक हुआ। लामपुंसे ने अभिषेक से दूसरे सबूत लाकर दिखाने की बात कही। इस पर अभिषेक गेट के बाहर खड़े वाहन की डिक्की से दूसरे दस्तावेज लाने के बहाने निकला और दोबारा नहीं लौटा। तब अभिषेक का डमी उम्मीदवार होने का संदेह उत्पन्न हुआ। आरोपी ने शासन के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में दिलीप लामपुंसे की शिकायत पर एमआईडीसी थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक गायकवाड़ ने आरोपी उम्मीदवार अभिषेक सावंत पर ठगी का मामला दर्ज किया है। एमआयडीसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महाडाचा एग्जाम झाला होता। त्या एग्जाम मध्ये एका डमी कैंडिडेट आला होता, जे सस्पेक्टेड डमी कैंडिडेट होता। आणि ज्यावेळी इन्व्हिजिलेटरनी त्यांच्या आधार कार्ड मध्ये जे फोटो आहे ते मॅच झालेली नाही, त्यांनी त्यांचे विचार केला, ते घाबरून गेले। त्यांनी सांगितलं की मी माझा मोबाईल घेऊन येतो, तुम्हाला ई आधार कार्ड दाखवतो, पण ते त्यातून निघून गेले। आता जे ऑरिजिनल जे हे आहे, जे कॅन्डिडेट आहे ज्यांचा आधार कार्ड होता, ते बीडचे रहिवासी आहे आणि आता ते तपास चालू आहे, जे टीम बीडला पाठवलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।